टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान। योगी सरकार खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी। मेरठ में होगा खिलाड़ियों का सम्मान। कल सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में होगा समारोह। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी और कल मेरठ में सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में सीएम योगी पहुंचेंगे और वहीं पे सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि मेरठ में होगा और इसमें सीएम योगी खुद मौजूद रहेंगे। मेरठ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, मेरठ के सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में, जहां सभी पैरालंपिक खिलाड़ी मौजूद होंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बता दें टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों को आज सम्मानित करेंगे सीएम योगी। योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करने का। मेरठ में आज यानी मेरठ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचकर सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। योगी सरकार खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी आज मेरठ में ये कार्यक्रम होगा, जहां खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी खुद सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में सम्मानित करेंगे, जहां पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला लिया है योगी सरकार ने, जहां सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। मेरठ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कल सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, योगी सरकार ने, कि ओलंपिक टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, तो ये कितनी बड़ी बात है? लेकिन आपको बता दूं, ये सब पहले भी खेल होते थे, ओलंपिक पहले भी जाते थे, खिलाड़ी वहां पर जीते थे। और जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, तब से खेलों के प्रोत्साहन के लिए अलग चल रही है, अलग कवायद चल रही है, जिससे कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके। अगर आप ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से खिलाड़ी वहां जीते थे और जीतने वाले खिलाड़ियों को स्वयं उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बात की गई थी, फोन पर उनको सम्मानित किया गया था। और जब वो आए थे तो उनके द्वारा एक सम्मान कार्यक्रम भी रखा गया था, जो बारी बारी से प्रत्येक खिलाड़ी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे और उनको प्रोत्साहित किया था, उनका सम्मान बढ़ाया था। इसी तरह हमारे लगता है कि लगातार अन्य राज्यों में भी और अन्य प्रदेशों से भी जो खिलाड़ी होते हैं उनका प्रोत्साहन होता है, उनको पुरस्कार राशि बांटी जाती है और घोषणाएं की जाती है, उनको अच्छे पद भी दिए जाते हैं। तभी हमारे लगता है जो पैरालंपिक हुआ था, सीएम योगी आदित्यनाथ पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे, इसके साथ साथ और क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी के? तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि मेरठ में जो शासन व्यवस्था को लेकर जो प्रशासनिक व्यवस्था प्रबंध है, ठीक है, बता दूं कुछ समय पहले हमें चिट्ठी भी पहुंची है को कि हमला हो सकता है, क्योंकि हमले की आहार को देखते हुए या जानकारी को मिलते ही वहां पर जो व्यवस्था है शासन की वो चाक प्रबंध करा दी गई, प्रॉपर तरीके से करा दी गई है, जिससे कोई अनहोनी ना हो सके। क्योंकि मुख्यमंत्री प्रोग्राम है, उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही थी। मुख्यमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री रवि ठाकुर भी पढ़ाएंगे और माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री अपने उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के अलावा भी अन्य प्रदेशों के जो खिलाड़ी जीते थे उनको भी 2 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए की धनराशि सम्मान के तौर पर देंगे। बिल्कुल गौरव, चुनावी वक्त है और जनता के बीच जो पहुंचेंगे सीएम योगी और जनता को संबोधित भी जरूर करेंगे, तो किन मुद्दों को उठा सकते हैं? लेकिन आपको बता दूं कि मेरठ बहुत बड़ा क्षेत्र है और राज्य के माध्यम बता दूं आपको, पश्चिमी क्षेत्र में जाट बहुल क्षेत्र है, तो जाट जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था और जाटों में खासी नाराजगी मानी जा रही थी, इसीलिए जाट समुदाय को लेकर वहां पर विशेष तौर पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है,
जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और बताएंगे किस तरह से किसी कानून किसानों के लिए बेहतर है, वो जो नाराजगी है उसको भी दूर करने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसलिए वहां पर जनसभा भी कराई जा रही है और साथ ही वहां पर जो मंडल अध्यक्ष है और कोऑर्डिनेटर है उसके साथ ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री अरुण ठाकरे बैठक करेंगे और आगामी चुनाव को लेते हुए चित्रित नजर आएंगे। जी गौरव, सीएम योगी के साथ साथ और कौन कौन नजर आ सकता है इस कार्यक्रम में? फिलहाल तो जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, उनके साथ केंद्रीय खेल मंत्री अरुण ठाकुर रहेंगे, संदीप आलियान और उपेंद्र तिवारी जो संस्कृति मंत्री है, उत्तर प्रदेश के संस्कृति राज्य मंत्री है, वो भी वहां जा सकते हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी करेंगे और साथ साथ जनसभा में मुख्यमंत्री के साथ इसमें जाएंगे। जी गौरव, मेरठ से कब प्रस्थान करेंगे सीएम योगी और लखनऊ आगमन कब होगा? लेकिन अगला लगभग मैं आपको बता दूँ की 11:30 से लगभग 1 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का, जिसमें पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री वहां एक जनसभा भी करेंगे। ये जनसभा लगभग लगभग 1:30 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक रहेगी और माना जा सकता है की लगभग 3 बजे के लगभग मुख्यमंत्री मेरठ के हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे, जिन्होंने हमें सीएम योगी के कार्यक्रम की तमाम जानकारियां दी। सीएम योगी टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे और एक बड़ी पहल है, क्योंकि खिलाड़ियों को सम्मानित करने से एक जो खेल जगत है उसमें लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलता है और आगे बढ़ते हैं लोग और अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं हमारे देश के खिलाड़ी। तो एक बड़ी पहल है योगी सरकार की तरफ से। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।